हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज हरिनंदन एंड यू आर वाचिंग ओपन हालिस टेलीकॉम चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा नोकिया BTS साइट इंस्टॉलेशन के बारे में। अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी आगे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं BTS साइट इंस्टॉलेशन के बारे में। ठीक है, इसमें बताएंगे हम मटेरियल के बारे में, कौन सा मटेरियल कहाँ यूज होता है और हम लोग कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है, और जो वहाँ जो साइट पर रहता है वहाँ पे क्या क्या मटेरियल के रिक्वायरमेंट है, तो इस चीज़ को मैं सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, मेरा ऑडियो कभी कभी क्लियर नहीं आता है। इसकी वजह है कि मैं रिकॉर्डिंग का जो मैं करता हूँ तो मेरे पास प्रॉपर चीज़ नहीं है। मैं एक तो नॉलेज के लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो इसको सिर्फ आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे आज BTS साइट इंस्टॉलेशन के बारे में। इसमें ट्रेनिंग मटेरियल दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, जिसमें हम लोग दो टाइप के इंस्टॉलेशन करते हैं, एक आउटडोर में करते हैं और एक इनडोर में करते हैं। ठीक है, आउटडोर और इनडोर में दोनों का कैबिनेट अलग अलग होता है। आउटडोर में जो कैबिनेट रहता है वो वाटर के रोकने के लिए किया जाता है, जिसमें वाटर मतलब सीपेज ना हो, वाटर उसमें जाए ना, इस तरह के हम लोग आउटडोर BTS बनाते हैं। इंडोर BTS में क्या है, वो खुला हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन डोर दोनों BTS में रहते हैं, जो इंडोर और आउटडोर का कैबिनेट है। और यहाँ पे देख रहे हैं इंडोर इंस्टॉलेशन में क्या है। इंडोर इंस्टॉलेशन में आपको लगे इंडोर केबल ट्रे, ग्राउंडिंग बार, बैटरी बैक इंस्टॉलेशन, SMPS इंस्टॉलेशन, BTS इंस्टॉलेशन और कनेक्शन ऑफ पावर केबल। मतलब आपको ये तो आपको मालूम ही होगा कि आपको पावर देने के लिए SMPS का जरूरी है, बैटरी बैंक जो बैकअप होता है, अगर मेन चली गई तो बैटरी सबके साइड चलेगी और बैटरी बैंक इंस्टॉलेशन भी सही है। ग्राउंडिंग बार, ग्राउंडिंग देना भी बहुत ज़रूरी है। और इंडोर केबल ट्रे, जो आपका जिसपे आपका पूरा केबल का रूटिंग किया जाता है। कनेक्शन ऑफ पावर केबल, जो BTS को पावर देते हैं या SMPS से जो केबल आती है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ इंडोर केबल ट्रे। इंडोर केबल ट्रे टाइप में देखिए वॉल माउंटेड है, रूफ माउंटेड है। ठीक है, वॉल माउंटेड भी दिया हुआ है और रूफ माउंटेड भी दिया हुआ है, दो चीज इसमें दिया हुआ है आपका। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आपका है सम बेसिक थिंग फॉर द केबल ट्रे इंस्टॉलेशन। जब भी आप केबल ट्रे का इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लगेगा जो नीचे दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ग्राउंडिंग ऑफ केबल ट्रे विथ IGB, जिसको हम लोग इंटरनल ग्राउंडिंग बसवार बोलते हैं। वो IGB में आपको बता देता हूँ, IGB जो है EGB से कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल ग्राउंडिंग बसवार बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन केबल ट्रे एंड रूफ ऑफ शेल्टर इज डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ हच प्लेट। जो हच प्लेट है उसके डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, केबल ट्रे शुड राइड बिलो द हच प्लेट। केबल ट्रे बोल रहा है कि हच प्लेट के नीचे होना चाहिए। फिर यहाँ पे दिया होगा ड्रिल आर मेड ऑन द शेल्टर वॉल रूफ टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर हॉरिजॉन्टल केबल ट्रे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ आफ्टर मार्किंग द ड्रिलिंग होल्स द लेडर इज फिक्स यूजिंग सपोर्टिंग क्लैंप्स। केबल ट्रे फॉर्म्स ए मेजर पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन वर्क सिंस ऑल द ग्राउंडिंग पावर यूएन IF एंड RF केबल रूटिंग इज डन ओवर द केबल ट्रे। आपको जो भी है यूएन केबल है, IF केबल है, RF केबल या पावर केबल है, जो भी ग्राउंडिंग केबल है, वो आपको केबल ट्रे के ऊपर आपको रूटिंग करना है। उसके बाद है आपका केबल ट्रे फॉर्म ए मेजर पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन वर्क सिंस ऑल द ग्राउंडिंग पावर यूएन IF एंड RF केबल रूटिंग इज डन ओवर दिस केबल ट्रे। इस तरह का आपको रूटिंग करना है। देखिए ये जो केबल ट्रे है इसके ऊपर में आपका पूरा चीज को रूटिंग करना है उसके ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पे अब हम बात करेंगे ग्राउंडिंग बार इंस्टॉलेशन जो है। देर आर टू टाइप ऑफ ग्राउंडिंग बार। पहला आपका दिया हुआ है एक्सटर्नल ग्राउंडिंग बार, जिसको हम लोग EGB बोलते हैं, और इंटरनल ग्राउंडिंग बार जो हम लोग इसको IGB बोलते हैं। EGB जो रहता है आपका बाहर में रहता है, आपका शेल्टर के जो बाहर में रहता है उसको हम लोग EGB बोलते हैं, और जो आपका शेल्टर के अंदर में रहता है उसको IGB बोलते हैं। और ये दोनों को एक पावर जो पावर केबल से इसको कनेक्ट करते हैं। जो भी ग्राउंडिंग केबल रहता है EGB और IGB को दोनों को कनेक्ट करते हैं। फिर जो EGB और IGB का जो केबल है
आपका मतलब एक्सटर्नल ग्राउंडिंग बस बार है जो केबल है उसके द्वारा वो अर्थिंग चैम्बर में जाता है जहाँ से आपको अर्थिंग आता है EGB और IGB के लिए। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सम बेसिक थिंग ऑफ ग्राउंडिंग बार इंस्टॉलेशन। इसमें क्या है मैं आपको पढ़ाता हूँ। IGB एंड EGB बोथ आर इंस्टॉल राइट बिलो द हच फ्लैट एंड बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय डबल कनेक्शन ऑफ 30 mm स्क्वायर ग्राउंडिंग केबल। आपको 30 mm जो ग्राउंडिंग केबल इसे आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे में, ठीक है। EGB का मतलब होता है एक्सटर्नल ग्राउंडिंग बार, आपको मैंने बताया, इज डायरेक्टली कनेक्टेड बाय अर्थ फिट बाय द GI स्ट्रिप। ये आप GI स्ट्रिप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप केबल के द्वारा भी आप कनेक्ट सकते हैं आपका जो अर्थिंग चैम्बर रहता है जिसको हम लोग अर्थ फिट भी बोलते हैं। IGB इंटरनल ग्राउंडिंग बार है विच इज इंस्टॉल इनसाइड द शेल्टर रूम, जो मैंने आपको बताया कि शेल्टर के अंदर में आता है। दिस इज मेड अप ऑफ GI स्ट्रिप। ये GI स्ट्रिप का ही बना हुआ रहता है, ठीक है। EGB एक्सटर्नल ग्राउंडिंग बार विच इज इंस्टॉल ऑन द आउट साइड ऑफ फिल्टर, दिस इज ए टोटली मेड ऑफ कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। ये कॉपर स्ट्रिप का बना हुआ रहता है, ये बाहर में लगा हुआ रहता है, ठीक है। आजकल तो कॉपर का चोरी हो जाता है, थेफ्ट हो रहा है, तो इसके अनुसार से आजकल जो यूज कर रहा है वो GI स्ट्रिप भी कर रहा है बाहर में, वो जल्दी चोरी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ एवरी इंडोर इक्विपमेंट शुड बी ग्राउंडेड थ्रू IGB। जो भी इक्विपमेंट अंदर में इंस्टॉल किया हुआ है उसको ग्राउंडेड IGB के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि IGB जो है अंदर में रहता है। देन क्रिम्प एंड फिक्स द लक्स एट बोथ एंड ऑफ अबव दिस 3 टाइप ऑफ केबल एंड वाफ विथ इंसुलेटिंग टेप विथ सेम कलर ऑफ केबल। बोल रहा है कि आप जो भी दीजिएगा तो सेम कलर के केबल को दीजिएगा, और जो भी वहाँ पे ग्राउंडिंग देंगे उसको आप लक्स से उसको फिक्स कीजिए। क्रिम्पिंग एंड फिक्स द लक्स एट बोर्ड एंड, आपको जो है क्रिम्पिंग टूल से लक्स को फिक्स कीजिए। जो भी लक्स बनाते हैं हम ना, तो कभी कभी क्या होता है हम लोग लक्स बनाते हैं केबल में तो उसको क्रिम्पिंग टूल से उसको जब तक अच्छा से फिक्स नहीं करते हैं तो क्या है बाद में वो बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए उसको क्रिम्पिंग टूल से बहुत अच्छे से फिक्स कीजिए, दोनों एंड कीजिए उसको। ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ वर्किंग ग्राउंड प्रोटेक्शन एंड लाइटनिंग अरेस्टर शुड बी नॉट मोर देन 5 ohm। रिकमेंडेड रेंज 0.5 to 5 फॉर वर्किंग ग्राउंड एंड 1 to 5 ohm फॉर प्रोटेक्शन ग्राउंड। जो वर्किंग ग्राउंड है वो 0.5 ohm से 5 ohm तक रहना चाहिए, और जो प्रोटेक्शन ग्राउंड है वो 1 to 5 ohm रहना चाहिए। जो मेजरमेंट होता है अर्थिंग का वो यहाँ पे बताया गया है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान से दीजिए, अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को देख के आप ध्यान से इस चीज़ को मेजर कीजिए। आप बैटरी बैंक इंस्टॉलेशन, ठीक है, बैटरी बैंक इंस्टॉलेशन के बारे में पता हुआ है। बैटरी बैंक में आपको पता है टोटल 24 सेल्स आता है और एक सेल कैरी करता है 2 volt का, तो इसलिए हम लोग उसको 48 volt बोलते हैं। कभी ज़्यादा भी करता है दो, जनरली हम लोग 2 volt लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 2 point से ज़्यादा रहता है, 2.1, 2.3 इस तरह आप देखेंगे। अगर लाइट चली जाती है तो देखिएगा, जब तक अगर बैटरी फुल चार्ज रहेगी ना तो उसको मेजर कीजिएगा ना, तो 50-52 वोल्टेज बताएगा। तो इससे क्या है कि 200, अगर 24 सेल है और 2 से ज़्यादा वोल्टेज इसलिए उतना बता रहा है, लेकिन हम लोग नॉर्मली लेते हैं 2 volt करके लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ इन टेलीकॉम BTS साइट 48 volt DC बैटरी बैंक इंस्टॉल, देर आर 24 सेल्स इन ईच बैटरी बैंक, ईच इज हैविंग द 2 volt DC। दिस बैटरी बैंक आर इंस्टॉल ऑन अ स्टैंड एंड ग्राउंडेड इन द शेल्टर प्रॉपरली। इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है शेल्टर के अंदर में, जो 24 सेल रहता है। दिस बैटरी बैंक हैव सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द SMPS एंड वी शुड ट्राई टू कीप अपोजिट ऑफ ईच टर्मिनल इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ SMPS। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ग्राउंडिंग ऑफ बैटरी बैंक इज डन विथ IGB बाय द 35 square ग्राउंडिंग केबल एंड कनेक्टेड टू EGB इंटरनल ग्राउंडिंग बार। जो भी बैटरी बैंक है इंस्टॉल किया हुआ है उसको आप IGB से कनेक्ट कीजिए, 35 square का जो केबल है उसे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। और IGB आपका IGB से कनेक्टेड रहता है, और EGB आपका जो भी अर्थिंग चैम्बर है, अर्थ पिट है, उसे आपका कनेक्टेड रहता है। SMPS इंस्टॉलेशन क्या है? SMPS इज इंस्टॉल नियर बाय द शेल्टर डोर। आपको आप शेल्टर के अंदर में इंस्टॉल कीजिए इसको, या शेल्टर के दरवाजे के इंस्टॉल, जैसा आपको सुविधा लगे आप वहाँ पे इंस्टॉल कीजिए।
बैटरी बैंक डायरेक्टली कनेक्टेड विद SMPS, आपका जो बैटरी वो डायरेक्टली बैटरी बैंक जो है आपका डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा SMPS के साथ। SMPS इज द DC सप्लाई सोर्स बाय विच ऑल द इक्विपमेंट इनसाइड द शेल्टर इज कनेक्टेड लाइक BTS एंड माइक्रो रैक। इट चार्ज द बैटरी बैंक बाय द AC सप्लाई। देर आर मॉड्यूल विच कन्वर्ट AC सप्लाई टू DC सप्लाई। जो आपका SMPS है जिसको हम लोग स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं, इसमें हम लोग AC वोल्ट देते हैं AC, और इसमें जो है SMPS में रेक्टिफायर लगा रहता है। रेक्टिफायर का काम जो होता है वो DC में कन्वर्ट करना होता है। तो SMPS से ही बैटरी कनेक्टेड रहता है, तो SMPS से ही जो रेक्टिफायर DC कन्वर्ट करता है, तो वहाँ से जो केबल जाती है बैटरी बैंक में, वो वहाँ से बैटरी बैंक चार्ज किया जाता है। इन एबसेंस ऑफ AC सप्लाई इट गिव द सप्लाई बाय बैटरी बैंक टू इक्विपमेंट। इट शुड बी ग्राउंडेड ऑन 2 पॉइंट, वन इज ऑन पॉजिटिव बस बार एंड वन इज विथ बॉडी SMPS विद स्क्वायर ग्राउंडिंग केबल। मैंने इसको मैं आपको बता दूँ, अगर AC का सप्लाई नहीं है तो आप जो भी वहाँ इक्विपमेंट लगा हुआ हो बैटरी बैंक से सप्लाई उसको दिया जाता है, जब तक बैटरी बैंक चार्ज रहता है या जो भी है बैटरी बैंक का बैकअप जिस तरह से, उस तरह से AC के एब्सेंस में हम लोग बैटरी से सप्लाई देते हैं। ठीक है, SMPS ग्राउंडिंग, आपको SMPS का ग्राउंडिंग इस तरह से करना है, पॉजिटिव बस पर ग्राउंडिंग है, फिर बॉडी की ग्राउंडिंग इस तरह से करना है आपको। BTS इंस्टॉलेशन, द BTS इंस्टॉलेशन पोजीशन शुड बी कंसिस्टेंट एंड मस्ट बी एज पर शेल्टर लेआउट डिजाइन। अगर BTS का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो पहले आप शेल्टर को जो लेआउट कीजिए, उसका डिजाइन निकालिए कि कहाँ पे हमको SMPS इंस्टॉल करना है, कहाँ पे हमको BTS इंस्टॉल करना है, कहाँ पे हमको ट्रांसमिशन रैक लगाना है, कहाँ पे केबल ट्रे लगाना है, ये पूरा आप डिजाइन कर लीजिए। क्योंकि शेल्टर जो हम लोग बनाते हैं वो ज़्यादा लेंथ का नहीं रहता है, उसका लेंथ विड्थ जो है हम लोग हिसाब से बनाते हैं उसको, तो इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाना हो शेल्टर को, कम स्पेस में ज़्यादा मेरा काम हो, तो वो काम तभी होगा जब उसको प्रॉपर आप लेआउट तैयार करेंगे। ना मार्क द पोजिशन ऑफ BTS बेस बॉल्ट पोजिशन एट ग्राउंड एंड डू द ग्रोटिंग ऑफ द बॉल्ट्स। आप जहाँ पे BTS को इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पे आप नट बोल्ट लगा के इसको इसको टाइट कीजिए, ताकि BTS आपका वहाँ से खिसके ना। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा शेल्टर में हम लोग गए तो शेल्टर ऊपर नीचे होने के कारण आपके BTS गिर ना जाए, इसलिए उसको आप नट बोल्ट से अच्छा उसको टाइट कीजिए। देन फिक्स द बेस ऑफ BTS इनटू ग्रोटेड बोल्ट्स आल्सो चेकिंग द लेबलिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें आप कीजिए। BTS माइक्रोवेव रैक DDF बॉक्स एंड ऑल द इक्विपमेंट एक्सेप्ट पावर इक्विपमेंट आर इंस्टॉल ऑन द सेम साइड राइट ऑन फ्रंट ऑफ द पावर इक्विपमेंट। BTS शुड बी ग्रोटेड प्रॉपरली। आपको जो BTS का बहुत अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए। फिर हम लोग चलते हैं सर रजिस्टर इंस्टॉलेशन। सर रजिस्टर जो हम लोग फीडर में लगाते हैं, जो BTS से जंपर केबल आता है उसका फीडर आता है उसके बीच में हम लोग लगाते हैं। सर रजिस्टर क्यों लगाते हैं, इसका भी एक कारण है। सर रजिस्टर इसलिए लगाते हैं कि अगर कुछ लाइटनिंग होता है या कुछ भी होता है, ये प्रोटेक्ट करता है आपका सर रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बताता हूँ। सर रजिस्टर आर हाई फ्रिक्वेंसी प्रोटेक्टर। दिस सर रजिस्टर प्रोटेक्ट द BTS फ्रॉम द लाइटनिंग। दिस सर रजिस्टर फिक्स ऑन द सर रजिस्टर स्टैंड एंड दिस सर रजिस्टर स्टैंड ग्राउंडेड विथ EGB। इसको जो भी आप यहाँ पे सर रजिस्टर जो दिया हुआ है, आप इसको EGB से ग्राउंडिंग कीजिए, ताकि जो भी ऊपर से लाइटनिंग होगा तो यहाँ पे अगर आप सर रजिस्टर में अगर ग्राउंडिंग करके रखते हैं EGB से, तो आपका जो भी है लाइटनिंग आपका उस ग्राउंडिंग के द्वारा जो है आपका EGB के थ्रू अर्थपीट में चला जाएगा, आपका BTS एंड नहीं जाएगा। तो आपका BTS में जो भी कार्ड है वो फॉल्टी नहीं होगा। तो जो भी सर रजिस्टर में अगर आपका ग्राउंडिंग नहीं है तो ग्राउंडिंग लगाएं। ग्राउंडिंग बहुत ही मस्ट है आपका सर रजिस्टर में लाइटिंग होता है, तो इस चीज़ को आप हल्का नहीं ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर छोटा छोटा चीज़ को देखेंगे तो आप उसको देख के इग्नोर करते हैं, लेकिन जो भी चीज़ वहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट है, उसका कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ लेना देना है, इसलिए वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें को आप इस वीडियो देख के इग्नोर मत कीजिएगा। अगर नहीं है सर रजिस्टर में ग्राउंडिंग तो आप ग्राउंडिंग लगाइए, ग्राउंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने BTS इंस्टॉलेशन के बारे में बताया आपको, फिर सर रजिस्टर के मैंने बारे में बता रहा था आपको। अब हम चलो चलते हैं जंपर केबल कनेक्शन ऑन BTS। जंपर केबल कनेक्टेड ऑन द BTS टॉप। आपका BTS के ऊपर से आता है जंपर केबल। ठीक है, ऑल फीडर ऑफ 3 सेक्टर
कनेक्ट बाय द जम्फर केबल, जो भी फीडर है वो जम्फर केबल के साथ कनेक्ट होता है, फीडर कनेक्ट बाय द जम्फर वाया सर्जेस्टर, जो फीडर और जो जम्फर दोनों कनेक्ट होता है वो सर्जेस्टर के द्वारा कनेक्ट होता है, आप उसको बीच में हम लगाते हैं, मेल फीमेल के रहता है सर्जेस्टर, ये जम्फर आपका, तो हम लगाते हैं ठीक है उसको सर्जेस्टर को, फीडर को भी लगाते हैं एक तरफ जम्फर लगा के, बीच में सर्जेस्टर रहता है उसको हम लोग टाइट करते हैं। पावर केबल कनेक्शन ऑन द BTS, BTS पावर केबल ब्लू वन कनेक्ट विद द नेगेटिव बार विच इज राइट इन फ्रंट द SMPS बाय द पार्टिकुलर राइट रेटिंग ऑफ फ्यूजेस एंड पॉजिटिव बस वर कनेक्ट विद ब्लैक वायर ऑफ BTS टर्मिनल, द नेगेटिव ब्लू केबल कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ BTS, द ब्लैक वन कनेक्टेड विद द ग्राउंडिंग ऑफ BTS। ऐसे जरूरी नहीं है कि हम लोग ब्लू केबल और जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका रेड केबल या ब्लैक केबल या जो भी है केबल दिया हुआ है, जो पावर केबल कनेक्शन होता है BTS के द्वारा, हम लोग एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जो पावर देते हैं और आप ग्राउंडिंग दे सकते हैं वहाँ से ठीक है। तो कभी कभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ रहता है तो उस चीज़ को आप पढ़ के कन्फ्यूज ना हो, पावर केबल का कलर नहीं होता, अगर आपको देना है तो पावर केबल को कलर हम लोग स्टैंडर्ड के लिए देते हैं, ऐसा नहीं है कि रेड है तो हम उसको नेगेटिव में नहीं लगाएंगे या रेड है तो पॉजिटिव में नहीं लगाएंगे या रेड है तो उसको पॉजिटिव में ही लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आप रेड को पॉजिटिव में भी लगा सकते हैं, इससे कलर से कुछ लेना देना नहीं होता है पावर का ठीक है। तो स्टैंडर्ड के लिए हम लोग लगाते हैं। आउटडोर इंस्टॉलेशन में देखिए क्या, आउटडोर इंस्टॉलेशन में आपको जो GSM एंटीना इंस्टॉलेशन ऑन द टावर, आपको GSM एंटीना इंस्टॉल किया हुआ रहेगा टावर के ऊपर में, फीडर केबल इंस्टॉलेशन रहेगा रूटिंग के साथ, आपको टावर के ऊपर जाता है GSM से कनेक्टेड रहता है। अर्थिंग ऑफ फीडर केबल, जो अर्थिंग है फीडर केबल आपको IGB अगर बाहर है तो EGB से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन ऑफ जम्फर केबल टू फीडर ऑन GSM एंटीना एंड कनेक्शन ऑफ जम्फर केबल टू फीडर ऑन BTS एंड, आपका जो जम्फर केबल और फीडर GSM एंड के जाएगा और जो जम्फर केबल टू फीडर है वो BTS के एंड में आएगा ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं GSM एंटीना इंस्टॉलेशन ऑन द टावर, GSM एंटीना इंस्टॉलेशन ऑन द टावर अकॉर्डिंग टू द RF प्लान, जो भी GSM एंटीना आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो RF के प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि उसमें GSM एंटीना का हाइट क्या होता है, एंटीना टिल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल टिल्ट क्या, मैकेनिकल टिल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल टिल्ट क्या होता है, एंटीना किस तरफ रखना है, कितने डिग्री में रखना है, तो वो ये सभी जो प्लान होता है वो अकॉर्डिंग टू द RF, जो भी RF इंजीनियर उनके अनुसार से प्लान होता है। यहाँ पे दिया लिया देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द ओरिएंटेशन जिसको हम अजीमुथ बोलते हैं ऑफ द GSM एंटीना शुड बी अकॉर्डिंग टू नेटवर्क प्लान, GSM एंटीना ऑल्सो हैव द टिल्ट बाय विच इज कवरेज एरिया कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, इट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू प्लान, टिल्ट में भी 0, 2, 3 or 4 degrees, GSM एंटीना क्लैम्प शुड बी टाइटन ऑन द टावर प्रॉपरली, इट शुड बी नॉट लूज, GSM एंटीना जो भी क्लैम्प है उसको टाइट कीजिए ताकि वो लूज ना हो, क्योंकि अगर लूज रहेगा तो हवा, जैसे ही हवा चलेगा तो उसको जो भी आप डिग्री सेट करेंगे वो डिग्री को डिग्री पर नहीं रहेगा, वो डिग्री से घट भी सकता है बढ़ भी सकता है ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फीडर केबल इंस्टॉलेशन एंड रूटिंग, फीडर केबल जो है 7/8 कनेक्ट, फीडर केबल जो हम लोग 7/8 का यूज करते हैं जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं विद द BTS एंड GSM एंटीना, इट इज कनेक्टेड विद द BTS एंड GSM एंटीना बाय द जम्फर केबल ठीक है। फीडर केबल शुड बी रूटेड ऑन द टावर बाय डंपिंग क्लैंप, जो फीडर क्लैंप भी बोलते हैं हम लोग उसको, इन फीडर केबल इंस्टॉल फीडर केबल शुड नॉट बी बेंड मोर देन 90 degrees एट सर्टेन पॉइंट, फीडर केबल को जो है 90 degrees में उसको बैंड मत कीजिए, नहीं तो आपका जो VSWR RSSI का जो अलार्म है वो आएगा, आपका कॉल भी नहीं चलेगा ठीक है। तो फीडर केबल रूटिंग इस तरह का होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए आपका, जो यहाँ पर दिया हुआ है बेंडिंग नॉट मोर देन 90 degrees, आपको 90 degrees में नहीं मोड़ना है आपको, नहीं तो वो टूट जाएगा ठीक है। आपको आप उसको यू के आकार में रखिए। फिर यहाँ पर दिया हुआ है फीडर केबल कम इन द शेल्टर एंड बिफोर एंट्रिंग इन द शेल्टर इट टेक ए यू ड्रॉप ड्यू टू द यू ड्रॉप द वाटर डू नॉट गो इन साइड द शेल्टर सो बी मस्ट टेक केयर अबाउट दिस यू ड्रॉप जस्ट बिफोर द एंट्रेंस इन शेल्टर। आप जब भी शेल्टर के अंदर में फीडर लेकर जा रहे हैं तो जो भी आपका एंट्रिंग पॉइंट है उससे पहले आपको यू में ले जाइए, यू के आकार में ले जाइए, उसको थोड़ा सा नीचे झुका दीजिए कि जो भी ऊपर से बारिश आएगी तो वहाँ पे नीचे आ जाएगा। अगर आप उसको उठा देते हैं और आपका फीडर यू आकार में नहीं रहता तो जो भी आपका पानी पड़ेगा वो पानी आपका सीधे शेल्टर में चला जाएगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ठीक है।
ग्राउंडिंग ऑफ फीडर केबल, आपको ग्राउंडिंग बहुत जरूरी करना है फीडर केबल को, मैंने आपको बताया भी था। फीडर केबल शुड बी ग्राउंडेड ऑन द 3.2 ऑन द टावर एंड 1 विद द ईजीवी, ठीक है। ग्राउंडिंग इज वेरी नेसेसरी एंड इट मस्ट बी ऑन 3 पॉइंट। आपको जो भी फीडर केबल उसको 3 जगह आपको ग्राउंडिंग करना है। ग्राउंडिंग इज डन बाय द ग्राउंडिंग किट एंड इट शुड बी प्रॉपरली सील विद द वेदर प्रूफ। आपको ग्राउंडिंग करके उसको वेदर प्रूफ से, आपको टेप से उसको, आपको उसको ऊपर करना है ताकि जो भी ग्राउंडिंग हुआ है प्रॉपर से वो कनेक्ट रहे उसमें, ठीक है। कनेक्शन ऑफ जम्पर केबल टू फीडर ऑन GSM एंटीना, एंड आपको इस तरह से करना है। जब भी जम्पर केबल को कनेक्ट करेंगे GSM एंटीना, तो आपको यहाँ पे वेदर प्रूफिंग करना है। आपको फीडर केबल कनेक्ट GSM एंटीना बाय द जम्पर केबल, कनेक्शन शुड बी वेरी टाइट इन सीड विद द वेदर प्रूफ। वेदर प्रूफ शुड बी प्रॉपरली डन, इफ इट इज नॉट प्रॉपर देन दिस मे बी ऑन द रीजन ऑफ VSWR। अगर आप इसको प्रॉपर नहीं करते हैं तो इसमें अगर पानी जाता है तो VSWR क्रिएट कर सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। कनेक्शन ऑफ जम्पर केबल टू फीडर ऑन BTSN, आपका BTSN इस तरह से रहेगा। यहाँ पे ये फीडर केबल है आपका, सरेस्टर स्टैंड आपको जो व्हाइट वाला दिख रहा है, यहाँ पे ये सरेस्टर है, जम्पर केबल आपको इस तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए BTS में गया है, BTS के ऊपर से आया है। फीडर केबल कनेक्ट विद द BTS बाय द जम्पर केबल, बिटवीन जम्पर एंड फीडर सरेस्टर शुड बी कनेक्टेड। आपका जम्पर और फीडर के बीच में आपको सरेस्टर होना बहुत ही जरूरी है, जो मैंने आपको बताया था। सरेस्टर जो है लाइटनिंग को रोकता है। फिर क्वेश्चन क्या है आपका, कनेक्शन ऑफ इच पावर केबल शुड बी प्रॉपर बिफोर स्विचिंग ऑन द BTS, वी शुड चेक द इनपुट वोल्टेज ऑन द BTS टर्मिनल बाय द मल्टीमीटर, इफ इट इज ओके देन वी शुड स्विच ऑन द BTS, वी शुड विजुअली चेक द ग्राउंडिंग कनेक्शन ऑफ इच इक्विपमेंट, ऑल इक्विपमेंट इनसाइड द शेल्टर मस्ट बी ग्राउंडेड, एंड एट द टाइम ऑफ कनेक्शन ऑफ पावर केबल टू बैटरी बैंक वी मस्ट टेक ए केयर अबाउट द सेफ्टी। आपको जो भी करना है तो पावर ऑन के पहले करना, जो भी आपको करना है मल्टीमीटर से मेजरमेंट करना है या आपको ग्राउंडिंग देना है या जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि हमको करना है, तो BTS को पावर ऑन करने से ही पहले करें। BTS का अगर पावर ऑन करने से अगर पहले ये चीज़ को करेंगे तो आपका जो भी हार्डवेयर है वो आपका हार्डवेयर सेफ्टी में रहेगा, ठीक है। तो दोस्त आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और मैं वीडियो के पहले भी बोला था, अगर मेरा चैनल पे आप न्यू आए हैं, अगर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर शेयर करना चाहते हैं किसी दोस्त में तो शेयर भी कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।